रहीम अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कायनात इस्लाम में खुश आमदी। आज प्यारी दुआ के साथ हमारे एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। मेरी दुआ है अल्लाह जल्ल आपको दुनिया आखिरत की नेमत से नवाजे और ज़िंदगी की हर मुश्किल घड़ी से हमेशा महफूज रखे, आमीन। आज मेरी वीडियो का मौजू है उलट पलट हो जाने वाला शहर। चलें शुरू करती हूँ। ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का शहर सुदूम है जो मुल्क शाम में सूबाए हम्स का एक मशहूर शहर है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बिन हारान बिन तारिक ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। ये लोग इराक़ में शहर बाबल के बाशिंदा था। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके फ़लस्तीन तशरीफ़ लेके और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के एक शहर उर्दन में मुकीम हो गए और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता कर सदूम वाले की इन वालों की हिदायत के लिए भेज दिया। शहर सदूम की बस्तियां बहुत आबाद और नहायत सरसब शादाब थीं और वहां तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फल मेवे बाकसरत पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर जा बजा के लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आया करते थे और शहर के लोगों को इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का पार उठाना पड़ता था। इसलिए शहर के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही कबीदा खादे और तंग हो चुके थे, मगर मेहमानों को रोकने और भेगाने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। इस माहौल में इबलीसुल ऐन एक बूढ़े की सूरत में नमूदार हुआ, उन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो उसकी ये तदबीर है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती इसके साथ बदफेली करो। चुनांचे सबसे पहले इबलीस खुद एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में मेहमान बनकर बस्ती में दाखिल हुआ और इन लोगों से खुद खूब बदफेली कराई। इस तरह ये फेले बदान लोगों ने शैतान से सीखा। फिर रफ्तार इस बुरे काम के लोग इस कदर आदी हो गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बदफेल से मना करते हुए इस तरह वास फरमाया, तर्जुमा कंज़ुल ईमान, अपनी कौम से कहा, क्या वो बेहाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने ना की? तुम तो मर्दों के पास शहवत जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की असलाह और मतलाना वैस को सुनकर कौम ने नहायत बेबाकी और इंतहाई बेहद के साथ कहा, इसको कुरान की ज़ुबान में सुनिए। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, और कौम का कुछ जवाब ना था मगर यही कहना कि इनको अपनी बसी से निकाल दो, ये लोग तो पाकिजगी चाहते हैं। जब कौम लूत की सरकशी और बदफेली काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया। चुनाचा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों को हमरा लेकर आसमान से उतर पड़े। फिर ये फरिश्ते मेहमान बनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और ये सब फरिश्ते बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हुस्न जमाल को देखकर और कौम की बदकार का ख्याल करके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद हुए। थोड़ी देर बाद कौम के बदफेलों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर मुहासरा कर लिया और इन मेहमानों के साथ बदफेल के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नहायत दिल सोजी के साथ इन लोगों को समझाना और इस बुरे काम से मना शुरू कर दिया, मगर ये बदफेल और सरकश कौम अपने बेहुदा जवाब और बुरे इकदाम से बाज ना आई तो आप अपनी तन्हाई और मेहमानों के साथ रसवाई से तंग दिल होकर गमगीन रंजिंदा हो गए। ये मंजर देखकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह अज़्जल के नबी, आप बिल्कुल कोई फिक्र ना करें, हम लोग अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो इन बदकारों पर अजाब लेकर उतरे हैं, लिहाजा आप मोमिनीन अपने अहले वाल को साथ लेकर सुबह होने से कबल ही इस बस्ती से दूर निकल जाएं और ख़बरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ ना देखे, वरना वो भी सजा में गिरफ्तार हो जाएगा। चुनांचा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को हमरा लेकर बस्ती से बाहर निकल गए।
फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम शहर की पांचवीं बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर उन बस्तियों को उलट दिया और ये आबादियाँ ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर होकर ज़मीन पर बिखर गई। फिर कंकर के पत्थरों का मीना बरसा और ज़ोर से संगबारी हुई कि कौम लूत के तमाम लोग मर गए और इनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गईं। एन उस वक्त जबकि ये शहर उलट पलट हो रहा था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम वाला था जो दर हकीकत मुनाफिका थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, इसने पीछे मुड़कर देख लिया और ये कहा कि हाय रे मेरी कौम, ये खड़ी हो गई। फिर अजाब के लड़का का एक पत्ता इसके ऊपर गिर पड़ा और वो भी हलाक हो गई। चुनाचा कुरान मजीद में नकतारा का इरशाद है, तर्जुमा कंजुल ईमान, तो हमने इसे और उसके घर वालों को निजात दी मगर उसकी औरत वो रह जाने वाली हुई और हमने उन पर एक मीना बरसाया और देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का। जो पत्थर इस कौम पर बरसाए गए वो कंकरों के टुकड़े थे और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था का हुआ जो इस पत्थर से हलाक हुआ। दरसे हिदायत, इस वाक्य से मालूम हुआ कि लवायत किस कदर शायद हदीद और हलनाक गुना कबीरा है कि इस जुर्म में कौम लूत की बस्तियाँ उलट पलट कर दी गईं और मुजरिमीन पथराओं के अजाब से मरकर दुनिया से नेज़ो नाबूद हो गए। मनकूल है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा इबलीस लेन से पूछा कि अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर कौन सा गुना बना पसंद है, तो इबलीस ने कहा सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को ये गुनाह नापसंद है कि मर्द मर्द से बदफैली करे और औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करे। और हदीस में है कि औरत का अपनी फ्रिज को दूसरी औरत के फ्रिज से रगड़ना ये दोनों की जनाकारी है जो गुनाह कबीरा है।